खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ यूपी के गवर्नर आनंदीबेन पटेल, देश के रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी फीता काटकर निवेशकों के इस महाकुंभ का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने समिट को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के प्रति मेरा एक विशेष स्नेह है, यहाँ के लोगों के प्रति विशेष जिम्मेदारी भी है। मैं आप सभी का इस इन्वेस्टर समिट में स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश अपनी समृद्ध विरासत के लिए जाना जाता है। इतना सामर्थ्य होने के बावजूद यूपी के साथ कुछ बातें जुड़ गई हैं। लोग कहते थे यूपी का विकास होना मुश्किल है, लोग कहते थे यहां कानून व्यवस्था सुधरना नामुमकिन है। यूपी बीमारू राज्य कहलाता था, यहां आए दिन हजारों करोड़ों के घोटाले होते थे, हर कोई यूपी की अपनी उम्मीदें छोड़ चुका था। लेकिन 5 से 6 साल के भीतर ही यूपी ने अपनी नई पहचान स्थापित की है और डंके की चोट पर की है। तो यूपी में निवेशकों की बहार रहा। और देखिए, इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन हो चुका है जहां प्रधानमंत्री ने तमाम बड़ी बातें कही। इतना सामर्थ्य होने के बावजूद यूपी के साथ कुछ बातें जुड़ गई थी। लोग कहते थे यूपी का विकास होना मुश्किल है, लोग कहते थे यहां कानून व्यवस्था सुधरना नामुमकिन है, यूपी बीमारू राज कहलाता था, यहां आए दिन हजारों करोड़ के घोटाले होते थे, हर कोई यूपी से अपनी उम्मीदें छोड़ चुका था। लेकिन सिर्फ 5-6 साल के भीतर यूपी ने अपनी एक नई पहचान स्थापित कर ली है और डंके की चोट पर कर दी है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्र आज उस पर मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी, आपके रूप में इस देश को केवल एक प्रधानमंत्री ही नहीं मिला है, बल्कि इस देश को एक मार्गदर्शक, एक अभिभावक और एक प्रेरणा पुरुष मिला है। पिछले कुछ वर्षों में व्यक्तिगत और राजनीतिक विश्वसनीयता का जो प्रतिमान आपने भारत में स्थापित किया है वह लंबे समय तक अटूट रहेगा और देश को लगातार प्रेरित करता रहेगा। दृष्टि से देखती है तो उसके पीछे भी यही विश्वसनीयता है। प्रधानमंत्री, भारत के बदलते परिदृश्य ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। उत्तर प्रदेश ने विगत 6 वर्ष के अंदर जो कुछ भी उपलब्धि हासिल करने की दिशा में प्रयास प्रारंभ किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मूल मंत्र को अंगीकार करते हुए उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में ही उसे हासिल किया है। आज जब देश अपनी आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में प्रवेश किया है, इन स्थितियों में उत्तर प्रदेश को अपना दूसरा इन्वेस्टर समिट और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में प्रयास का एक अभिन्न हिस्सा है। हम सब का परम सौभाग्य है कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में भारत को G20 की अध्यक्षता का गौरव प्राप्त हो रहा है, पूरा भारतवर्ष इस उपलब्धि से गदगद है। सभी के मन में माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए एक ही भाव उठता है कि मोदी जी की रूह में जज्बा है जब ईमान का, मोदी जी की रूह में जज्बा है जब ईमान का, क्यों न फिर डंका बजे दुनिया में हिंदुस्तान का, क्यों न फिर डंका बजे दुनिया में हिंदुस्तान का। अभी हाल ही में अमृतकाल का पहला बजट, जन कल्याणकारी बजट
प्रस्तुत किया गया। ऐसे स्वर्णिम कालखंड में उत्तर प्रदेश को एक ऐसे आयोजन की मेजबानी का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है जो भारत की आत्मा के मौलिक विचार वसुधैव कुटुम्बकम की बुनियाद पर आधारित है। इतना तो देखिए, जीआईएस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जिसका आगाज हो चुका है, प्रधानमंत्री ने तमाम बड़ी बातें कही। इस दौरान रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री और तमाम उद्योगपति मौजूद रहे, राज्यपाल मौजूद रहे। और देखिए किस तरह से उत्तर प्रदेश को लेकर एक नए आयाम, एक नए विकास और एक नई उम्मीद के साथ उत्तर प्रदेश को लोग देख रहे हैं। और जिस तरह से ये इन्वेस्टर समिट 10 से 12 फरवरी तक के लिए आयोजित किया गया है, हालांकि आपको बता दें उद्घाटन समारोह हुआ है, इसके कुछ देर बाद सत्रों का आयोजन हो जाएगा। इसके बाद सत्रों की शुरुआत होगी जहां पर तमाम अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए उद्योगपति इस सत्र में जुड़ेंगे और चर्चा की जाएगी कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर क्या कुछ नई उम्मीदें हैं, नई टेक्नोलॉजी है जो उत्तर प्रदेश में उद्योगपति अपनी रुचि दिखाते हुए नजर आएंगे। तो कई सत्रों में इसे बांटा गया है। आपको बता दें कि लगातार पीएम के संबोधन के बाद सीएम ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश को लेकर तमाम बड़ी बातें कही कि पहले उस उत्तर प्रदेश को जानते थे कि जहां पर लोग निवेश करना और उत्तर प्रदेश में आना तक ज़रूरी नहीं समझते थे, उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर सवाल खड़े होते थे, लेकिन आज ये वही उत्तर प्रदेश है। इसे उत्तम प्रदेश से अब अति उत्तम प्रदेश बनाने में लगे हुए हैं। तो नए उत्तर प्रदेश की शुरुआत इस जीआईएस के द्वारा बंपर निवेश की उम्मीदें। तो इस उद्घाटन समारोह में 5 उद्योगपतियों ने भी अपनी बातें रखी, जिसमें रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी शामिल हैं। इसके साथ ही कई अन्य, टाटा ग्रुप हो गया, उद्योगपति जो लगातार बोलते हुए नजर आए कि किस तरह से वो उत्तर प्रदेश को आशा की निगाहों से देख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश हर उद्योगपति के लिए पहली चॉइस बन चुका है, जहां पूरा विश्व देश को देख रहा है। तो देश अब उत्तर प्रदेश को देख रहा है कि किस तरह से वहां पर लगातार विकास हो रहा है। तो चलिए, हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, मनीष गुप्ता पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए, प्रोफेसर अखिल स्वामी अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़े हैं, आप दोनों का बहुत स्वागत है। इसके साथ ही साथ ब्रजेश जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। देखिए कार्यक्रम का आयोजन हो चुका है, उद्घाटन हो चुका है और ब्रजेश जी लगातार बने हुए हैं, नीलेश एयरपोर्ट से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ब्रजेश जी आपके पास आऊंगी, चूंकि देखिए संबोधन हुआ, संबोधन में तमाम बड़ी बातें कही गई, उत्तर प्रदेश को किस तरह से आशा की निगाहों से देखा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में किस तरह से बदलाव आया है इसका जिक्र किया, चाहे वो प्रधानमंत्री का संबोधन हो, मुख्यमंत्री का संबोधन हो या फिर उद्योगपतियों का संबोधन हो, उत्तर प्रदेश के बदलते रूप का जिक्र हुआ। देखिए ऋतु, सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस तरीके से आप इस जीआईएस 23 को आप किसी भी तरीके से समझिए, आप सोचिए जहां आपके पास था कि 10 लाख करोड़ का निवेश आएगा, फिर आपने टारगेट बनाया आपके पास 17 लाख करोड़ का निवेश आएगा, फिर आपने 22 लाख करोड़ का लगाया और इस वक्त 32 लाख करोड़ जो सरकार ने कहा कि 32 लाख करोड़ से ऊपर का निवेश उत्तर प्रदेश में इस वक्त आया है। तो आप सोचिए ये जो आपको इस वक्त जो है, अगर आप जीआईएस की तस्वीर देखिए, आपको एक से एक बड़ा उद्यमी, ऐसा देश का कोई भी बड़ा उद्यमी ऐसा नहीं है जो इस वक्त यहाँ पर ना मौजूद हो। दुनिया के वो तमाम मुल्कों के लोग जो कभी हिंदुस्तान आना पसंद नहीं करते थे, आज वो हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में आकर निवेश कर रहे हैं। तो ये वो समय है जो बदला है, किस तरीके से, खास करके जो प्रधानमंत्री जिक्र कर रहे थे कि हमने कैसे नया उत्तर प्रदेश बनाया है, इसमें कोई शक नहीं। दो दशक की मेरी जी देखा है
एक वक्त था जो कहा करते थे कि अगर आपको एक कोई मर्डर करता है तो एक इंस्पेक्टर जांच करता है, लेकिन अगर आप उद्योग लगाते हैं तो आपके पास एक दर्जन इंस्पेक्टर उसकी जांच करते हैं, यानी इंस्पेक्टर राज हुआ करता था। लेकिन आज इस पे कोई शक नहीं है कि आज रेड कार्पेट उद्यमियों के लिए बिछाया जा रहा है, आज सिंगल विंडो सिस्टम को सही मायने में इंप्लीमेंट किया गया है, आज उद्यमिता के लिए, उद्यमियों के लिए और उनको बेहतर एटमॉस्फेयर देने के लिए सरकार ने वो तमाम उपाय किए हैं। आप एक जगह में एक उद्यमी को और क्या चाहिए, उसके लिए आपके पास रैपिड ट्रांसपोर्टेशन हो तो आपके पास 6-6 एक्सप्रेसवे है, आपके पास 5-5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं, रेलवे लाइन है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जलमार्ग भी अब खुल गया, यानी अब किसी तरीके से भी आप उत्तर प्रदेश आना चाहे जाना चाहे आपके लिए सारी सुविधाएं हैं। तो एक एक जो माहौल था, और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि आप निष्फिक्र होकर के यहाँ पर अपना कारोबार कर सकते। पहले एक उद्यमी शाम को डरता था कहीं लूट ना जाए, आज की डेट में कम से कम उसको ये दिक्कत नहीं है, वो आधी रात में भी, अभी हम लोग जीआईएस को लेकर जब कर रहे थे नीलेश ने एक रिपोर्ट की, बिल्कुल आपकी रात में 2 बजे वो डर वो भय नहीं है। लौटूंगी आपके पास। ब्रजेश जी हमारे साथ, अखिल जी जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्री हैं। अखिल जी आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से पूरे देश पूरे विश्व के इस वक्त उद्योगपति पहुंचे हुए हैं लखनऊ में, क्या लगता है कि कितनी तस्वीर उत्तर प्रदेश की बदलेगी, कितने निवेश देखने को मिलेंगे? देखिए बदलेगी तो अच्छा लगेगा, अगर तस्वीर बदलेगी और उद्योग लगेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन देखिए वास्तविकता में कोई भी उद्यमी उद्योग तब लगाता है जब मार्केट में डिमांड हो। देखिए आज की स्थिति क्या है देश की, कि हम हंगर इंडेक्स पे बहुत ज्यादा पीछे हो गए हैं, बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, हमारा GDP IIP गिर रहा है। में कोई भी उद्यमी, चाहे आप उसे कॉर्पोरेट टैक्स में बेनिफिट दें, चाहे उसको PLI में बेनिफिट दें, चाहे रेड कार्पेट रिसेप्शन दें, वो उद्योग खुद लगा लेगा अगर उसको मार्केट में डिमांड दिखेगी। भारत की जो सबसे बड़ी शक्ति है वो शक्ति है यहाँ की कंजम्पशन और यहाँ की डिमांड। लेकिन अगर गरीब वर्ग हंगर इंडेक्स से बढ़ जाएगा, 5 किलो अनाज पे निर्भर हो जाएगा, मिडिल क्लास के पास नौकरी नहीं होगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी, तो अमीर जो है वो परचेजिंग नहीं करेगा, वो उत्सव मनाने के लिए तो किसी भी कॉर्पोरेट मीट में आ जाएगा। लेकिन असली मुद्दा है, अगर आप चाहते हैं कि उद्योग पनपे, उनको प्रॉफिट हो, तो मार्केट के अंदर कंजम्पशन डिमांड को बढ़ाना है, सप्लाई साइड के बजाय डिमांड साइड को देखना, क्योंकि देखिए रेड कार्पेट की जरूरत है। इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को इस पर फोकस करने की जरूरत है कि डिमांड किस तरह बढ़े, जिससे ये जो निवेश हो रहा है उस निवेश का असर जो है वो दिख सके, धरातल पर उसकी तस्वीर बदल सके। ठीक है, लौटूंगी आपके पास अखिल जी, चूंकि समय कम है। मनीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, जिस तरह से लगातार जिक्र हो रहा है, इन्वेस्टर इतना बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, कहा जा रहा था सिर्फ एक शब्द कि जिस तरह से हम उत्तर प्रदेश को पहले देखते थे, आज वो उत्तर प्रदेश बदला है, आज लोग उत्तर प्रदेश की तरफ देख रहे हैं निवेश को लेकर, पहले ऐसी तस्वीरें नहीं थी, पहले डर का माहौल था, भ्रष्टाचार का माहौल था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर काम किया है। मनीष जी, मनीष जी आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? ठीक है मनीष जी, आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ नीलेश एयरपोर्ट से लगातार जुड़े हुए हैं। नीलेश, अभी एयरपोर्ट की क्या तस्वीरें हैं, अभी कौन कौन से उद्योगपति क्या वो इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से जा चुके हैं, क्या तस्वीरें वहां से आ रही हैं? अगर हम एयरपोर्ट की बात करें तो अब से कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां से उनकी फ्लाइट जो है मुंबई के लिए उड़ान भर गई है। उसके अलावा अगर हम बात करें मुकेश अंबानी की, कुमार मंगलम की, तो वो दोनों उद्योगपति सुबह ही लखनऊ पहुंचे थे और GIS के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के बाद वापस अपने मुंबई के लिए रवाना हो गए हैं। कहीं ना कहीं GIS जो उत्तर प्रदेश में जिसका आयोजन हो रहा है, उत्तर प्रदेश को जिसकी मेजबानी मिली है, उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश की जो संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। हालांकि इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि 27 लाख करोड़
रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश में होगा, लेकिन जिस तरीके से जब इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, उसके बाद जब जो उद्योगपति इस कार्यक्रम में पहुंचे थे, जब उन्होंने संबोधन किया, तो जो निवेश की संख्या है वो करीब 32,92,000 करोड़ रुपए की हो गई है। कहीं ना कहीं उस सबसे अच्छी बात जो ये रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री का संबोधन रहा हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन रहा हो, या फिर जो उद्योगपति इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए थे, उन्होंने विशेष तौर पर उन मुद्दों पर फोकस किया है जो मुद्दे वाकई में हमारे उत्तर प्रदेश को, देश को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश और देश की अगर हम बात करें तो 70% आबादी हमारी ग्रामीण क्षेत्र से आती है, तो जरूरत है कि सबसे पहले हम ग्रामीण क्षेत्रों को बढ़ाएं, ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति को दुरुस्त करें, ताकि उत्तर प्रदेश और देश का विकास हो सके। सबसे जरूरी बात यह रही है कि समय की कमी है। मनीष जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, जिस तरह से लगातार अगर हम पूरे भाषणों को देखें, पूरे इस ग्लोबल इन्वेस्टर में, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, सब यही कहा कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश को हमने पहले देखा था, अब उद्योगपतियों के लिए, निवेशकों के लिए वो तस्वीर उत्तर प्रदेश की बदली है, और वो तस्वीर बदली जरूर है, लेकिन देखिए दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि इन्वेस्टर समिट के बहाने आप धोखा दे रहे हैं जनता को। इंटरेस्ट वाला मत पूछना विशाल जी से, मैं पूछूं मनीष जी। मनीष जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? तो चलिए मनीष जी से जुड़ेंगे। कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से लगातार ये देख रहे हैं, हमारे साथ अखिल जी जुड़े हुए हैं। अखिल जी, जिस तरह से आप कह रहे थे कि सप्लाई तो बढ़ाई जा रही है, लेकिन डिमांड को बढ़ाना बेहद जरूरी है, इसके लिए सरकार को किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है? क्योंकि कहा जा रहा, देखिए रोजगार, अगर उद्योग लगेंगे तो रोजगार बढ़ेंगे, लोगों को काम मिलेगा, लेकिन ये जो डिमांड आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, उसको बढ़ाने के लिए सरकार की क्या कोशिशें होनी चाहिए? एक ही उदाहरण दे देता हूं, अगर किसानों को MSP मिल जाए, अगर किसानों को उचित मूल्य मिल जाए उसके उर्वरक के और बाकी चीजों के, देखिए आप खुद देखिए जी, जो MSP बढ़ती है हर साल वो बढ़ती है 3%, जनरल इन्फ्लेशन है 6%, और जो इनपुट कॉस्ट बढ़ती है किसानों की वो बढ़ती है 20%। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक किसान महीने में 5-6 हजार रुपए कमाता है केवल औसतन, तो परचेजिंग पावर कहां से आएगी उसके पास? तो अगर ये 60% लोग जो कृषि पे आधारित हैं, जो मजदूर हैं, जो कृषि में निर्भर करते हैं, अगर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बने और उनकी आमदनी 20,000 रुपए महीने हो जाए, मैं एक आपको बात कहता हूं कि अगर 2 साल के लिए आप युवाओं को 20,000 रुपए महीने दे दीजिए, केवल 2 साल के लिए जी, जब युवा के हाथ में 20,000 रुपए आएंगे तो मोटरसाइकिल खरीदेगा, वो चीजें उद्योग बढ़ाएगा, इंडस्ट्री अपने आप ही आगे बढ़ जाएगी, इंडस्ट्री जो है उद्यमी जो है खुद आगे उद्योग लगा लेगा, उद्यमियों को कोई रेड कार्पेट रिसेप्शन देने की आवश्यकता नहीं होगी। आज जो समस्या है वो ये है कि लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, और जिनको पैसा, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है उनकी डिमांड नहीं है, और जिनके डिमांड है उनके पास पैसा नहीं है, ये समस्या है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मनीष जी हमारे साथ लगातार, मनीष जी आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? चलिए मनीष जी से जुड़ेंगे लगातार, देखिए तकनीकी दिक्कतों की वजह से उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मनीष जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? पहुंच रही है जी। मनीष जी, आपसे ये सवाल है कि जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश का जिक्र किया जा रहा था कि पहले वो उत्तर प्रदेश था जहां पर लोग निवेशक आने से डरते थे, उद्योग लगाने से डरते थे, लेकिन अब बेहतर उत्तर प्रदेश हुआ, उत्तर प्रदेश की तस्वीरें बदली है, अब हर कोई उत्तर प्रदेश को आशा की निगाहों से देख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर विपक्ष को देखे तो आज भी अखिलेश यादव ने यह कहा कि इस समिट की वजह से कहीं ना कहीं जनता को धोखा देने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, जब उनके पास कोई जवाब नहीं है तो वो यही कह रहे हैं। आम जनता समझदार है, अगर कोई व्यक्ति, एक बात सुनिए, अगर कोई व्यक्ति आपके शहर में, आपके प्रदेश में 1-2 लाख रुपए, 50 लाख करोड़ रुपए, या 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख, 2-4 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ लगा रहा है, इसका मतलब तो क्या करेगा, या तो लैंड खरीदेगा या किराए पे देगा, उसके बाद वहां पे क्या करेगा, स्ट्रक्चर तैयार करेगा, तो जॉब क्रिएट होगी, स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, सर्विस टैक्स GST क्रिएट होगा, टैक्स गवर्नमेंट को जाएगा, उसके बाद फैक्ट्री के लिए मशीनें लाएगा, सरकार को पैसे जाएगा, उसमें उत्तर प्रदेश को मिलेगा, केंद्र को मिलेगा, उसके बाद काम शुरू होगा, प्रोडक्शन होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेंगी, सप्लायर्स चारों तरफ इकट्ठे होंगे जो उनको माल सप्लाई करेंगे, उनको सर्विस प्रोवाइडर होंगे,
वहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट आएंगे, वहाँ वकील आएंगे, वहाँ पे इंजीनियर होंगे, वहाँ पे डॉक्टर होंगे, मेडिकल फैसिलिटी होंगी। इन सबसे क्या है, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। ये डेवलपमेंट की आहट सुन के अखिलेश यादव को डर लग रहा है, उन्हें लग रहा है कैसे करके इसका विरोध करना है जी। तब आप एक और बात समझिए, जो व्यक्ति पैसे ला रहा है उसे ये पता है कि मैं जब यहाँ पैसे ला रहा हूं तो मुझे यहाँ से कैसे अर्न करना है, यानी वो वैल्यू क्रिएशन करेगा। यह तो देखिए, भारत इस समय विश्व के सबसे बड़े उभरते हुए बाजारों में से एक है। अब या तो वो अपना प्रोडक्ट बना के यहाँ इंडिया में बेचेगा, या वो उसको एक्सपोर्ट करेगा। एक्सपोर्ट करेगा तो विदेशी मुद्रा आएगी, अगर यहाँ कंज्यूम करेगा तो मेक इन इंडिया डेवलप होगा। अरे दोनों हाथों में लड्डू ही लड्डू है। मेरा अखिलेश यादव जी की पार्टी से कहना है कि क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों के लिए छोटे छोटे और खराब मैसेज भेजना बंद करो। इसका स्वागत करना चाहिए, चाहे कांग्रेस करे, भाजपा करे या समाजवादी पार्टी करे। ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया। समय की कमी होने की वजह से इतनी चर्चा कर सकेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।